हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था वैद्युत विभव एवं धारिता। और वैद्युत विभव एवं धारिता में हमने विभव तो कब का समाप्त कर दिया था, अभी हम पढ़ रहे थे धारिता। धारिता से संबंधित हमने पढ़ लिया संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, अगर उसके बीच में हम परावैद्युत रख दें तो उसकी धारिता पर क्या फर्क पड़ता है, आंशिक रूप से परावैद्युत रख दें तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इतना हमने कवर कर लिया था। हम जानते हैं कि समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, उसकी जो धारिता होती है, धारिता का सूत्र क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। और जब के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत रख दिया जाए, जब परावैद्युत रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, ठीक है। और अगर आंशिक रूप से परावैद्युत रख दिया जाए तो हो जाता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर हो जाता है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, आया समझ में, ठीक है। तो ये तीन हमने टाइप पढ़ लिए थे। और हम क्या क्या जानने अभी तक, हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और हम ये भी जानते हैं कि विभव का एक फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू ई डी। हम ये भी जानते हैं किया गया कार्य वी के बराबर भी हो सकता है और कभी कभी यू के बराबर भी हो सकता है, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि क्या हम आज टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, संधारित्र की संचित ऊर्जा, ठीक है। यानी कि जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो समझो बच्चों, यहाँ पर जैसे ये है, ये हमने इसको प्लस क्यों दे दिया, तो इस पर सब प्लस प्लस इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, ठीक। यहाँ पर सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह पर प्रेरण के कारण सारा माइनस माइनस इकट्ठा हो जाएगा। इसको हम पता है अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं, ये तो आपको मालूम होगा, ठीक। वी पृथ्वी का विभव जीरो होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको कि जैसे हम इसको आवेशित करते हैं तो इसके प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है। तो संचित ऊर्जा को हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर संचित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा जो इकट्ठा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं U से, ठीक है। तो बात समझो, किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है W, वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि W किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा, ठीक। चलो हम एक काम करते हैं, मान लिया कि हमारे पास ये कोई कैपेसिटर है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो सी है, मतलब इसकी धारिता क्या है, सी, और इसमें चार्ज जो दिया जा रहा है वो क्यू दिया जा रहा है, ठीक, जिसके कारण इसकी प्लेटों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो वी डैश उत्पन्न हो रहा है। विभवांतर वी डैश कर लेते हैं और दिया गया आवेश क्या कर लेते हैं, क्यू डैश कर लेते हैं। हमने इसको क्यू डैश आवेश दिया, धारिता इसकी सी थी जिसके कारण इसमें विभव वी डैश उत्पन्न हुआ। तो चलो शुरू करेंगे, तो क्या आएगा, विभव कितना उत्पन्न हुआ, वी डैश, ठीक। तब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, सी इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना, तो Q डैश अपॉन V डैश हो जाएगा, ठीक। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और तो क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन V डैश हो जाएगा, ठीक। या यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, V डैश इज इक्वल टू Q अपॉन C, क्या निकाल सकते हैं, V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब एक फार्मूला आपने सुना होगा कि इसके बीच में, फार्मूला छोड़ो, एक काम करता हूँ मैं, इसको आवेश जब हम देंगे तो एकदम से नहीं दे सकते, इसको आवेश हम थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मान लिया कि इसको माना संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश, एक हम बहुत छोटा आवेश देंगे, ठीक है, अति सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, तो अगर डी डब्ल्यू किया गया कार्य हो तो डी डब्ल्यू बराबर क्या निकलेगा, देखो
डी डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू बराबर एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, डब्ल्यू बराबर होता है वी इंटू क्यू। दरअसल फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू, उसी से बना डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी क्या रखेंगे हम अपना, वी डैस रखेंगे, ठीक है, वी डैस। और क्यू हमने कितना लिया है, डी क्यू लिया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी क्यू लिख देंगे। अब बात को समझो, यहाँ से हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर वी डैस का मान रख दो तो हो जाएगा क्यू डैस अपॉन सी यहाँ पर डी क्यू। अब देखो ये तो निकल आया सिर्फ इतने का, हमें निकालना है इसको पूरे का, ठीक है, पूरा आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि संधारित्र को क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन आई है इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। ठीक, तो बायो के जो स्टूडेंट हैं वो जरा समाकलन यहाँ पर सीख लें। ठीक, समाकलन क्या होता है, देखो समझो, जैसे आपको दे दिया कि समाकलन यक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है, इस निशान को समाकलन बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब समाकलन का रूल ये होता है कि घात में एक जुड़ जाएगा, घात में एक जुड़ जाएगा, बाद में घात प्लस वन वही आ जाएगा। ठीक है, तो घात में एक जोड़ेंगे, बाद में जितनी बनेगी वही नीचे ले आएंगे। सपोज करो इसका इंटीग्रेशन करना, ये निशान हट जाएगा, x की पावर में एक जोड़ दो तीन हो गई, बटे में तीन आ जाएगा, बस हो गया इसका समाकलन, आया समझ में। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ x ना होता तो कुछ नहीं, वन ना होता मतलब दो ना होता, अगर दो नहीं होगा तो एक तो होगा ना मेरे भाई, ठीक है, एक होगा तो हो जाएगा दो और यहाँ भी आ जाएगा दो, आया समझ में। ठीक, तो वैसे ही सिस्टम यहाँ भी चलेगा, यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं इस समीकरण का। ठीक है, तो कर देते हैं इसका समाकलन, यहाँ पर मैं इतने में कर दे रहा हूँ समाकलन, ठीक है, देखिएगा इतने में, समझ गए, इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। तो बच्चा समाकलन क्या आएगा, देखो ऐसे लिखेंगे, समाकलन डी डब्ल्यू बराबर ये आ जाएगा समाकलन क्यू डैश अपॉन सी और यहाँ पर डी क्यू। देखो सी जब क्यू आप लिखते थे यहाँ पर वी अनुक्रमानुपाति क्यू, वी अनुक्रमानुपाति सी क्यू, तो सी क्या होता था, एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी, नियतांक होता था। ठीक है, सी नियतांक है और नियतांक का समाकलन या अवकलन कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो नियतांक को हम क्या करेंगे, समाकलन से बाहर निकाल लेंगे, तो आ जाएगा समाकलन, यहाँ पर समाकलन करोगे तो कुल मिलाकर के देखो ऐसे समाकलन जैसे लिखा है। ठीक है, समाकलन डी डब्ल्यू है ना, तो डी एक्स ऐसे कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, वन है, क्या है, वन। ठीक, तो समाकलन का रूल ये होता है कि घात में से एक घट जाता है, घात में से क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आप घात में से एक घटाओगे यानी कि वन की पावर क्या है, वन की पावर कुछ नहीं तो क्या है, वन है, तो वन में से वन जाएगा, क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा। ठीक है, जब किसी की पावर ज़ीरो हो जाती है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, वन आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि यहाँ पर जो ये होता ना, तो इसके हिसाब से इसका समाकलन होता है, ये जो लिखा है यक्स, यक्स के हिसाब से इसका समाकलन होगा, तो यक्स के हिसाब से जब इसका हम समाकलन करेंगे तो वन का समाकलन एक्स आ जाएगा, वन का समाकलन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हम इसके हिसाब से देखते हैं ना, ये क्या लिखा है, एक्स लिखा है ना, तो इसका जो फार्मूला होता है समाकलन का, समाकलन का फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाओ, यक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, यक्स की जगह पर यक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ यक्स लिखा है, एन की जगह पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पर कोई पावर ही नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो प्लस वन अपान ज़ीरो प्लस वन, ठीक, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 अपान 1, कुल मिलाकर क्या आएगा, x आएगा। ठीक, इसलिए x आता है, ध्यान रखना। तो वैसे ही यहाँ पर w, जैसे वहाँ x था यहाँ w है, तो जैसे समाकलन dw, अब क्या करोगे यहाँ पर, जैसे लिखते थे यहाँ पर w की पावर n प्लस 1 अपान w अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ ज़ीरो प्लस वन, कुल मिला के क्या बाहर आएगा, देखो डब्ल्यू की पावर ज़ीरो प्लस वन अपॉन ज़ीरो प्लस वन, तो कुल मिला के डब्ल्यू बाहर आएगा डायरेक्ट, है कि नहीं, तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो कुल मिलाकर क्या आएगा, डब्ल्यू बाहर आएगा। यहाँ से हम वन अपॉन सी को बाहर कर लें, समाकलन क्यू डैश और डी क्यू बचा। ठीक, अब इसका समाकलन करोगे तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा,
यह आ जाएगा W बराबर 1/C इंटू यहाँ आ जाएगा। एक चीज़ समझना कि हम इसको जो है लिमिट जरूर लगा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जब आवेश देंगे संधारित्र को आवेश देंगे, ठीक है, यहाँ से देखना, संधारित्र को 0 से Q तक, ठीक है, 0 से Q तक आवेश देंगे, 0 से कहाँ तक देंगे, Q तक, ठीक है। तो 0 से Q तक आवेश देंगे तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा 0 से Q तक, 0 से Q तक, ठीक है, यहाँ भी 0 से Q तक। अब जब ये समाकलन होगा तो ये लिमिट लग जाएंगी Q-square। मैंने कहा इसकी पावर 1 छुपी थी और 1 में Q-power 1 है, तो इसमें 1 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, 2/2, ठीक, तो बटे में 2 आ जाएगा। और क्या होगा, ये Q रहेगा, ये 0 रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, और बीच में निशान हमेशा माइनस का। तो W बराबर आ जाएगा 1/C इंटू ब्रैकेट में Q- की जगह Q रखेंगे तो हो जाएगा Q2/2, और माइनस 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0/2। मुझे बताओ ये तो 0 ही हो जाएगा ना पूरा, तो W बराबर आ जाएगा 1/C Q2/2। अब एक फार्मूला आपने सुना होगा, फार्मूला होता है Q=CV, धारिता वाले में CV यहाँ रख दो, W=1/C×C² हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन टू, स्क्वायर से एक कट गया, तो W के बराबर हमने U कहा था ना, तो U बराबर टोटल आ जाएगा 1/2 CV², ठीक। इसका मात्रक जूल होता है, कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक। तो ये रही संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा, समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो